Welcome back to Walk a Mile with Rohini, and here's Rohini this side. So how are you all guys? अगर आप मेरे Instagram और Facebook पे follow करते हैं मुझको तो आपको पता होगा कि इस month 6th of August को मैंने hashtag 15 days test of self में इस बार सूर्य नमस्कार को include किया है. जी हाँ, मैंने अपने जो followers थे या फिर मेरे जो known people थे उनको बोला या request करी कि उनके lifestyle में सूर्य नमस्कार को अगर include करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे changes उनके life में आ सकते हैं. तो हाँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और मैंने भी बहुत लोगों से इंस्पिरेशन लेके ही मैंने ये हैशटैग डाला था सूर्य नमस्कार का कि कम से कम आप 15 दिन इसको करिए और अपने में चेंजेस देखिए क्या क्या आते हैं. तो सूर्य नमस्कार इज अ पार्ट ऑफ योगा. आप सब लोग जानते हैं 12 इंपॉर्टेंट पोजेस रहते हैं और हर एक पोज के कोई ना कोई बहुत अच्छे इंपॉर्टेंस रहती है या मीनिंग रहती है, उसका कुछ ना कुछ लाभ रहता है. तो आप ये समझिए कि आप एक योगा कर रहे हैं जिसमें 12 पोजेस हैं, मतलब कम से कम आपके 12 बेनिफिट्स तो आपकी बॉडी से अटैच हो गए. आप जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पोज में करीबन 2 या 3 या उनसे भी 4-5 हर एक पोज इंपॉर्टेंस रखता है. तो आप समझिए कि मल्टीपल टाइम्स आपके बॉडी को बेनिफिट हो रहा है. आप करीबन कम से कम 15 दिन इसको एक सिंगल टाइम अगर आप ये डे में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने में दिखेंगे. तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आप देखते रहिए, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो याद रखिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं. तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. साथ में ही वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्री है. और अगर आपको कोई सजेशंस हैं अगले मंथ के 15 डेज टेस्ट ऑफ सेल्फ में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए क्योंकि ये सारे अपडेट्स जो हैं वो इन दोनों सोशल प्लेटफॉर्म्स में होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट पोस्चर में हम हाथियों की हथेलियों को कुछ इस प्रकार जोड़कर खड़े रहते हैं और श्वास भी निरंतर रूप से अच्छे से लेते रहते हैं. पीठ भी सीधी होनी चाहिए. हमारी स्पाइन क्योंकि सीधी है, इसका मतलब हमारी बॉडी का बैलेंस भी ये पोस्चर मेंटेन करके रखता है, और साथ ही क्योंकि हम श्वास निरंतर ले रहे हैं इसकी वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दूर करता है. हमारा सेकंड पोजीशन कुछ इस तरह से है. आप हाथ को सीधा लेते हुए अपने स्पाइन के साथ में पीछे मुड़ेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे. ये जो पोस्चर है वो बहुत अच्छा है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारी स्पाइन के हिप्स और बैक के लिए, हमारे जो आर्म्स हैं शोल्डर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से ये टोन करता है, और साथ ही हमारे डाइजेशन को मतलब पाचन क्रिया को भी डेवलप करता है. हम थर्ड पोस्चर में सीधे ही ऊपर से हम नीचे आएंगे और नीचे की ज़मीन या फिर अपने तलवों को छुएंगे. जितना इसमें आप बेंड हो सकते हैं अपने नीज की तरफ मतलब अपने घुटनों की तरफ उतना आप बेंड हो जाइए. अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है, तो ये जो आसन है थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इन सब चीज़ों को हटाने में. साथ ही आपके जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको भी अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी दे के उनको भी रेगुलेट करेगा, उसके भी काम को बढ़ाएगा. साथ में ही जो आपके जो पैर हैं और बैक मसल्स हैं पैरों के उनको भी अच्छे से स्ट्रेचिंग देगा. ये आसन आपके एब्स को भी टोन करता है, और साथ में ही जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी ये दूर भगाएगा. आपका जो फोर्थ पोस्चर है कुछ इस तरीके से होता है. ट्राई करिए कि आपका जो फुट है, नीज है और शोल्डर है वो एक लाइन में आने चाहिए. इससे आपकी बैक की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इससे आपकी स्पाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज मिलता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, और साथ में आपके थाई मसल्स भी डेवलप होते हैं. आपके एब्डोमेन, आपके रिस्ट, आपका शोल्डर, आपके हैंड्स, सबको ये बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. हमारा फिफ्थ पोस्चर कुछ इस तरीके से है. अपनी बॉडी के साथ में हम उल्टा वी बनाएंगे और अपने हाथ और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, साथ में ही बैक मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे और साथ में ही थाई मसल्स, लेग मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे. ये आसन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली आपके ब्रेन में भी जाता है, आपके रिस्ट आर्म्स मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं. किसी भी तरीके का कोई भी दबाव या तनाव हो आपके नेक या शोल्डर पे तो इससे भी आपको इस आसन से राहत मिलती है. प्लस आपके जो आर्म मसल्स हैं, रिस्ट मसल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप होते हैं. साथ में ही आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी डेवलप होती है. हमारा सिक्स पोस्चर कुछ इस तरीके से है. ये स्नेक क्रॉल टाइप का लुक देता है. आपके नीज और फीट ज़मीन पे होने चाहिए, आपका हिप ऊपर होना चाहिए, आपका चेस्ट नीचे लगा रहना चाहिए, शोल्डर्स के साथ में ही आपके पाम होने चाहिए, और आपका चिन भी मतलब आपकी ठुड्डी भी फ्लोर से जुड़ी हुई होनी चाहिए.
ये आसन भी आपके नेक, शोल्डर्स, आर्म, रिस्ट और लेग मसल्स को डेवलप और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। हमारा सेवेंथ पोस्चर कुछ इस तरीके से है। आप अपने हाथों के बल पे आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, साथ में ही नेक को भी स्ट्रेच करते हुए ऊपर देखेंगे। ये आसन बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको दमे की बीमारी है, मतलब अस्थमा है, क्योंकि ये लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डेवलप करता है। साथ में ही आपकी जो बैक है, स्पाइन है, उसको अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपकी जो ऊपर की बॉडी है, अपर बॉडी, और नीचे की बॉडी है, लोअर बॉडी, उसको भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है। ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सेवेंथ पोस्चर के बाद में हम फर्स्ट पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पोस्चर में जो भी हमने आसन किए थे वो हम फिर से करेंगे, तब आपके 12 पोजेस ऑफ सूर्य नमस्कार खत्म होंगे। ये सारे आसन को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, एक साथ आप 12 सेट मत करिएगा, धीरे धीरे ही बढ़ाते जाइएगा। आपका पूरा ध्यान श्वास की तरफ भी ज़रूर होना चाहिए। इतने 12 पोजेस सूर्य नमस्कार के अगर आपने 15 दिन तक कंटिन्यूअसली करे हैं मेरे साथ में, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यूअसली करते जाइए। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, और एक महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद, दो महीने के बाद में चेंजेस ज़रूर देखेंगे आप अपने पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में भी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी एजिंग प्रोसेस हो रही है स्टार्ट, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन सब चीज़ों को, माइन्यूट डिटेल्स को भूलिएगा मत। और आपके पास भी कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ मुझे भेजिए कि अगली बार मैं 15 डेज टेस्ट ऑफ सेल्फ में, मतलब कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ला सकूँ। तो मुझे प्लीज़ सजेशंस दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप पर्सनल मैसेज करिए, मैं ज़रूर उनको पढ़ती हूँ। आपके जो सजेशंस हैं, आपकी जो फीडबैक है, आपकी जो राय है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लीज़ आप ये सभी करिए, और साथ ही 15 डेज टेस्ट ऑफ सेल्फ को कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए कि अगले मंथ क्या आने वाला है। तो बस इतना सा था आज का वीडियो, बहुत ही खासम खास था, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।